नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 112 लोगों की मौत हो गई है। 60 लोग घायल हो गए हैं। नेपाल के कई हिस्सों में गुरुवार से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आपदा अधिकारियों ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। नेपाल में पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बिहार का बाढ़ का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती और गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। बीरपुर और वाल्मीकि नगर बैराज के फाटक खोले में पड़ चुके हैं। बिहार में बारिश के बीच में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी से लगातार जलस्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ उसका नजर आ रहा है। कोसी नदी से लगातार पानी छोड़ा भी जा रहा है, जैसे सीमा से सटे हुए कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों से सटे इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर अब दिखने लगा है। कोसी तटबंध के भीतर गांव में पानी फैल चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें, गांव के घर जो आप देख रहे हैं पानी में डूबे हुए, पानी में समाये हुए आपको नजर आएंगे। गांव के घर और चापाकल डूबे हुए हैं, साथ ही धान की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कोसी नदी से पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है, हालात और बेकाबू हो सकते हैं। कोसी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नाव यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हैं। को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा ना करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा ना करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार का एक बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ के मुहाने पर है। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं और शनिवार शाम 5 बजे तक कोसी बैराज से 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बराज से 4,00,000 से अधिक पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। शनिवार शाम तक 5,34,000 तक पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल से गुजरने वाली दूसरी नदियां भी उफान पर है और तस्वीरें डरा रही है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोग बताते हैं कि 2008 में 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी ने कुशहा बांध को तोड़ दिया और बिहार में भारी तबाही मची थी। इस बार नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से अब तक 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि गंडक का जलस्तर 5,34,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार अलर्ट है, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है, बांधों की निगरानी कराई जा रही है, साथ में लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर पड़ोसी देश नेपाल में नेपाल ने गंडक बैराज में 6,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे कुशीनगर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं जलस्तर, नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, लिहाजा जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है।
सोनभद्र में भी भारी बारिश से एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पीपरी स्थित ओबरा बांध के 4 फाटक खोलने पड़ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही सीजन में तीसरी बार बांध के गेट खोले गए हों, लिहाजा सोन नदी में पानी बढ़ने लगा है। और आपको बता देते हैं कि शनिवार को भी सोनभद्र में भारी बारिश हुई है।